मीडिया के सामने रखता रहूंगा। आज पहला पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसमें आरसीए के अंदर जो करप्शन हुआ उसके बारे में है। तो राठौड़ साहब लिखते हैं, उसकी हैंडराइटिंग आपको मैं दे दूंगा अभी। वैभव जी, मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्च को लेकर चर्चा हुई कि भवानी समझौता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसे नहीं दे रहा। घर पर भवानी समझौता राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी समझौता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी समझौता ने कहा, मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सौभाग जी पीएस टू सौभाग जी पीएस टू सीएम को सौभाग जी पीएस टू सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम साहब से बात करके बताता हूं। ये हैंड राइटिंग है उनकी खुद की, धर्मेंद्र जी की। ये आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब की हैंड राइटिंग है और इसके अंदर ये जो मैंने पढ़ा वही है। हाँ वही वैभव जी, मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्चों को लेकर चर्चा हुई, भवानी समझौता किस तरह से तय करके लोगों को अब तक उनका पैसा नहीं दे रहा। राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया, भवानी समझौता ने ज्यादातर लोगों को जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी समझौता ने कहा कि मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं कि वो आपकी जानकारी में 20 जनवरी तक 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सौभाग जी पीएस टू सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीएम साहब से बात करके बताता हूं। ये उनका खुद की हैंड राइटिंग है। क्या है डायरी इसके बारे में? इसमें जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक पॉइंट आज बता दिया, तीन पॉइंट, और इसके बाद में मेरे विश्वस्त के पास ये सारी जानकारियां हैं और समय समय पर प्रेस करके और आपको जानकारी देता रहूंगा। यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर आऊंगा तो मैं जानकारी दूंगा। आपको पता है कि सौभाग जी सीएम साहब के ओएसटी हैं और उनसे राठौड़ साहब की बात हुई है, और उससे पहले भवानी समझौता सारी क्रिकेट देखता है, ये सारा का सारा, और ये जो सिस्टम है आपको बता, आगे और जानकारी देता हूँ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।